डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ सरधना के खेड़ा गांव में तमंचों के बल पर लूट करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस लूट का वीडियो भी वायरल हो गया था, जिससे सनसनी फैल गई थी। गिरफ्तार लोगों में योगेश उप मोगली व सोनू उप सिकेरा, दोनों निवासी ग्राम छाबड़िया सरधना, अमन पुत्र रोहताश निवासी मोहल्ला आदर्श नगर सरधना और कुलदीप सिंह निवासी बरेली शामिल हैं। इनका 5वां साथी शांतनु निवासी ग्राम छाबड़िया फरार बताया जा रहा है। आज पुलिस अधीक्षक देहात केशव कुमार ने मीडिया के समक्ष इन सभी को पेश करते हुए यह जानकारी दी। थाना क्षेत्र सरधना के खेड़ा गांव में 30 मई को एक घटना हुई थी, जिसका CCTV फुटेज भी संज्ञान में आया था, वायरल हुआ था, जिसमें 3 लोगों ने तमंचा दिखाकर लूट की थी वहां के पैसों की। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें जो हैं लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका नाम है योगेश उर्फ मोगली है, सोनू उर्फ सिकेरा है, और इस घटना में जो तीसरा अभियुक्त था वो भी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके पास से तमंचे की रिकवरी कर ली गई है, और इसके साथ ही इन लोगों का एक दूसरी घटना जिसमें 4 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था, ये जो लोग हैं ये छवड़िया गांव के रहने वाले हैं, छवड़िया के ही एक चक्की का व्यापारी है, उसको इन्होंने कॉल करके योगेश भदौड़ा के नाम से रंगदारी मांगी थी कि आप रंगदारी दीजिए नहीं तो आपके साथ अनहोनी कर दी जाएगी, तो उसको भी हम लोगों ने ट्रेस किया। तो ये दोनों घटनाएं जो थी ये एक ही गैंग के लोगों के द्वारा की गई थी। इसमें जो योगेश है ये पूर्व में भी जेल जा चुका है रंगदारी मांगने में 2020 में, उस समय दीपक सिद्धू के नाम पे इसने रंगदारी मांगी थी। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, और आगे इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के लिए। इनकी मुख्य मास्टरमाइंड कौन है इसमें? देखिए, इसमें जो योगेश है इसको मुख्य मास्टरमाइंड मान सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूर्व में भी इस तरह के मुकदमे दर्ज। अच्छा, बड़े बदमाश तो जेल में रंगदारी नहीं मांग रहे, योगी सरकार 2.0 कार्रवाइयां ज्यादा है, क्या ऐसे छोटे बदमाश ये जो नहीं उभरते हुए ये लोग इस तरीके से? देखिए, इसमें ये है कि नाम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसका नाम भी योगेश है, तो कहीं ना कहीं हम नाम होने के कारण ये यूज़ किया गया है। लेकिन पुलिस ने बहुत ही, जैसे आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को FIR पंजीकृत हुआ था, और आज 7 तारीख को 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोगों ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, दोनों घटनाएं अलग अलग थी, लेकिन इनका लिंक कैसे आपस में मिला? देखिए, ये टेक्निकल इंटेलिजेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस से ये पता चला कि दोनों में एक ही लोग जो है, एक ही गैंग जो है वो सेलेक्ट है। हाँ, इसमें जो मेन जो आदमी है योगेश जो है, इसका आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है। पहले भी आर्म्स एक्ट में और 386 में 411 जो है चोरी का सामान इनसे बरामद हुआ था, इन सभी में ये जेल जा चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।